धनबाद के कुसुंडा गोदर काली बस्ती में कुछ कांग्रेस समर्थक मजदूरों पर हमला करने का मामला सामने आया है। दरअसल भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी धनबाद पहुंचे थे। इस दौरान राहुल गांधी ने कुसुंडा गोदर काली बस्ती में चौपाल लगाकर वहां रह रहे लोगों की समस्याएं सुनी थी। खासकर कुसुंडा के रहने वाली असंगठित मजदूर परिवार की गायत्री ने इस दौरान राहुल गांधी से अपने क्षेत्र की समस्याएं बताई थी और पढ़ाई के साथ रोजगार की भी मांग की थी। गायत्री कुमारी का कहना है कि धनबाद में बीजेपी की जीत के बाद उन पर हमला किया गया। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी समर्थकों ने उन पर बुरी तरह हमला किया है। हम लोग को मारपीट कर रहा है भाजपा का जो है सब पार्टी, वो मारपीट कर रहा है कि तुम क्यों न्याय यात्रा में शामिल हुई है, तो यहाँ ला दिए है तो जाओ तुम, अनुपमा सिंह साथ तुम भी जाओ, हार गया है तुम। हम मिले थे राहुल गांधी भैया से, बात किए कि भैया हम लोग को रोजगार दीजिए, पढ़े लिखे हैं तो नौकरी दीजिए, पानी नहीं तो पानी का सुविधा दीजिए। यही अपना निवेदन हम उनको शेयर किए कि भैया हमको कुछ चीज़ का सुविधा नहीं है। राहुल भैया से ये मिले हैं, इसी का सजा दे रहे हैं वो हम पे। कम से कम तो बहुत आदमी मिल करके लाठी मारने आए, मेरे पापा सहयोग किए तो मेरे पापा के लगे, मेरे चाचा को मारा, चार आदमी घायल है और सब PMC में भर्ती है। दोगो तो डर से आ नहीं रहा, उसको घेर के मार रहा है। डर क्या, इतना चार दिन से झगड़ा हो रहा है, उधर जाने नहीं देता है, राह छेक के मारता है जहाँ मारता है। चार दिन से पुलिस से शिकायत कर रहे हैं, बोलते आ रहे हैं रुको, ऐसे करेंगे उसे करेंगे, मगर कुछ नहीं नहीं उनसे नहीं बात की है। मैं लोकल सब कांग्रेस नेता से बात की है कि हम लोग को न्याय दिला दीजिए, हम लोग का तो वहाँ आया है, बोला कि हम भेजते हैं, बात किए थाना परिवारी से बात किए, बोला जो होगा हम करेंगे मगर करेंगे। हम लोग डरे हैं भैया, हम लोग को कोई नहीं आगे न पीछे, हम लोग खाली यही निवेदन किए और देसी कट्टा ले करके राहुल रुदल चंदन साजन सब मिल करके भरत सब मिल करके, ये लोग सब भाजपा सरकार का पार्टी है। आई लोग बोल रहा है कि चलो अब जाओ, तुम्हारा अनुपमा सिंह प्रत्याशी हट गया है तो तुम लोग जाओ, मेरा ढुल्लू मातो आ गया तो तुम काली बस्ती जाओ। आ घर में जला दिया है, मेरा चाचा का घर जला दिया, मेरा घर से बहुत दूर मेरा चाचा का घर हुआ और वहाँ सब मिल करके मार रहा है। वहीं लोगों का कहना है कि गायत्री उनके माता पिता और चाचा के ऊपर 15 भाजपाइयों ने हमला कर दिया। पीड़ित लोगों का कहना है कि उन्हें बस्ती छोड़कर जाने की धमकी दी जा रही है। न्याय यात्रा में हमारे विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी हमारे बीच आए थे गोधर काली बस्ती में, इसके ही कारण सबको ना देखने का रास बुझा नहीं। आइए सब हमारे ऊपर कांग्रेस, हम लोग काली बस्ती में कांग्रेस के गढ़ रह चुका है और कांग्रेसी प्योर हम लोग कांग्रेसी हैं, आना तो डरे हैं ना तो डरेंगे, मारपीट भी हुआ है। हम राहुल गांधी के माध्यम से यही पर हमारे परिवार के ऊपर जितना भी अभी जो मारपीट किया जा रहा, मारपीट इसलिए किया जा रहा है कि तुम कांग्रेसिया हो, यहाँ से तुम चले जाओ। कौन मारपीट? मारपीट हमारे ये जो है हमारे बस्ती के जो राहुल लोकल नेता जो हैं, सिंडिकेट नेता जो हैं, भाजपा समर्थक ही सब है। पहले झामुमो में रहे, फिर बीच में कांग्रेस में गए और उसके बाद अभी भाजपा में आए हैं। हम लोग को कह रहा है कि तुम्हारा प्रत्याशी यहाँ हार चुका है, तुम लोग यहाँ से बोरिया बिस्तर बांध के यहाँ से चले जाओ। हमारे घर में, हमारे चाचा के घर में आग भी लगाया गया। लोग भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हमारे राहुल गांधी जी आए, उनको सम्मान पूर्वक दिए, उनको बैठाए, घर आए, इसके लिए ही ये सब जितना भी हैं हमारे ऊपर भाजपा पार्टी के लोग हमारे ऊपर हमला किया गया। चार घायल हैं हमारे, एक हमारे पिताजी हैं, एक हमारे मंझला चचा हैं, एक हमारे विकास जो छोट हैं और एक संझला चचा हमारे वो है। पर यहाँ धनबाद के प्रशासन आज चार दिन से लगातार मारपीट किया जा रहा, कोई हमारे सहयोग में नहीं है। अब पब्लिक का नहीं, हम लोग को न्याय चाहिए, उचित कार्रवाई होना चाहिए। हम SSP से नम्र निवेदन करते हैं कि जो जो हमारे ऊपर ऐसा हमला जो किया है उनके ऊपर उचित कार्रवाई किया जाए। कितने लोग हमला किए हैं? कम से कम तो 15-16 आदमी किए हैं। आप लोग क्या करते हैं? हम लोग यहाँ पे असंगठित मजदूर में लेबर लोडिंग में काम करते हैं। वहीं बीजेपी सांसद ढुल्लू महतो ने कहा कि इस तरह की घटनाओं को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। कहाँ पे? गोधर में। ये जानकारी हमको नहीं, हम तो कल ही लौटे हैं, जानकारी नहीं है। माने इस तरह की अगर हो रही है क्या मान? अगर गलत है, इस तरह से हो रहा तो गलत है, किसी को भी कोई नहीं मार सकता है। वहीं केंदुआडी थाने के इंस्पेक्टर वकार हुसैन ने मारपीट की घटना को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने इसे दो पक्षों के बीच का आपसी विवाद बताया है। बस्ती में जो घटना हुई है, क्या कहें इसमें,
इसमें है कि बच्चे बच्चे लोगों के बीच 20 रुपया के लेकर विवाद हुआ था बच्चियों के बीच में। बच्चियों के बीच में विवाद होते होते गाली गलौज होने लगा दोनों परिवार के बीच में। परिवार के बीच में गाली होने के उपरांत दोनों पक्ष के लोग लाठी डंडा लेकर के दोनों एक दूसरे को मारपीट कर। सर दोनों का मतलब एक पक्ष आरोप है कि कांग्रेस के प्रत्याशी हार गए हैं, ढुल्लू समर्थक लोग जबरन मतलब नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। इन लोगों के फर्द बयान या लिखित आवेदन में भी इस तरह की कोई बात नहीं। आगे की कार्रवाई हो जो विधि सम्मत है कार्रवाई किया जाएगा। हमारी चल रही है, किसी की गिरफ्तारी नहीं। जो भी इस तरह की घटना में शामिल उपद्रवी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए धनबाद से नीरज कुमार की रिपोर्ट।